हेलो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ मिक्स वेज और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। इसमें क्या क्या सब्जी पड़ी है आइए बताते। कच्चू बैंगन, कुमड़ा, झींगा, आलू, बरबट्टी, ये सारे को अच्छी तरह से धो ली हूँ और बड़े टुकड़ों में काट ली हूँ। पैन को गरम कर लिया है, इसमें सरसों तेल ऐड की हूँ। सरसों तेल ज़्यादा डालना है ताकि सारी सब्जियों को पहले फ्राई करूँगी। तो सबसे पहले आलू डाली हूँ, आलू को गोल्डन फ्राई तक करने तक पकाना है। सबसे पहले सरसों तेल ऐड की हूँ, जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब इसमें कच्चू ऐड करेंगे। कच्चू को फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करना है कच्चू को। सारी सब्जियों को फ्राई करके निकालना है। कच्चू फ्राई हो गई है, अब इसे निकाल देंगे। अब इसमें बरबट्टी डालेंगे और फ्राई करेंगे, इसे भी डीप फ्राई करना है। बरबट्टी फ्राई हो गई है, निकाल। अब इसमें झींगा ऐड करेंगे, जिसे आप लोग तोरई कहते हैं, इसे तोरई के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे ऐड करके इसे भी फ्राई करेंगे। अब इसमें बैंगन और कुमड़ा एक साथ डाल देंगे और दोनों को फ्राई करके फिर से भी निकाल देंगे। अच्छी तरह से लाल करके फ्राई करना है। सब सब्जी को फ्राई करके सब एक साथ रखी हूँ। अब तेल गरम, उसी तेल में आप पचफोरन डालेंगे, जिसमें सौंफ है, मेथी, सरसों, जीरा, सूखी मिर्ची, पचफोरन जिसे बोलते हैं, पांच मसाले हैं, सब मिक्स करके मैंने इसमें ऐड किया है। काला जीरा है, जीरा है, सौंफ है और सरसों, मेथी, सबको डाल दी हूँ। और सबको अच्छी तरह से जब गर्म हो जाए, कड़कने लग जाए, तब इसमें प्याज ऐड करेंगे। एक प्याज मैंने ऐड की है और इसे भी अच्छी तरह से फ्राई कर लें। अब एक बर्तन में हल्दी हल्दी लेंगे, आधा हाफ टी स्पून, सभी मसाले ऐड करेंगे। जीरा पाउडर है, 2 टेबल स्पून जीरा पाउडर ज़्यादा पड़ेगी इसमें, ये सब्जी में। और मिर्ची पाउडर 1/2 टेबल स्पून, आप चाहे तो इसमें धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून ऐड कर सकते हो, और नमक स्वाद अनुसार। और इसमें पानी डाल के इसकी घोल तैयार करेंगे। सारे मसालों को इसमें मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मसाला की जो पेस्ट बनाई थी ऐड करेंगे। ऐसा करने से क्या है, मसाला जलती नहीं है और अच्छे से फ्राई होती है। मसाला फ्राई हो चुकी है, अब इसमें टमाटर डालेंगे। 2 छोटे टमाटर है और उसे काट ली हूँ बड़े पीसों में, और अच्छी तरह से इसे भी फ्राई करके पूरे टमाटर को गला देना है अच्छी तरह से। पेस्ट टमाटर सॉफ्ट हो गई है, देखिए अच्छी तरह से। अब इसमें अदरक ऐड करेंगे, अदरक को ग्रेट करके ऐड कीजिएगा। अब इसमें चीनी ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और जितनी सारी सब्जियाँ फ्राई करके रखी थी सारी ऐड करूँगी। दोस्तों एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में कैसे बनी ये सब्जी। अगर बिना प्याज के बनाना चाहते हो तो इसमें प्याज ऐड मत कीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें डालिएगा जो जो मैंने इसमें ऐड की है। और ये बहुत ही टेस्टी सब्जी रहती है, पूजा के समय भी इसे आप बना के खा सकते हो। तो अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। अब इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, और ये गरम मसाला मैंने एवरेस्ट का लिया है, आप चाहे तो कोई भी कंपनी का ले सकते हो। और 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें 1/2 टीस्पून ऐड की हूँ, और सारे सब्जी में मिक्स कर ले रही हूँ।
अब इसमें पानी ऐड करूँगी। आप गरम पानी ऐड कीजिए, गरम पानी ऐड करने से अच्छा रहता है सब्ज़ी। तो मैंने पहले से ही गरम करके रखा था पानी को और इसमें ऐड की हूँ। अब इसे पकने के लिए रख दूँगी। अब ढक्कन हटा के चेक करेंगे कि सब्जी पक गई है कि नहीं। वाओ, क्या क्या कलर है इसका, देखिए बहुत ही टेस्टी है सब्जी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें घी ऐड करेंगे। वन टेबल स्पून घी ऐड की हूँ और इसे थोड़ा सा आप मसल भी सकते हो सब्ज़ी को, और इसकी पानी को भी थोड़ा कम कर सकते हो, आप जैसा चाहे वैसे आप रख सकते हो इस सब्ज़ी को। तो देखिए बन के रेडी है गर्मा गर्म खाने के लिए। तो दोस्तों ये जरूर